हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल विद अनुलेखास किचन रेसिपी। आज मैंने आपके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा पाउडर शेयर किया है, जिसे हम बोलेंगे ब्रेन बूस्टर पाउडर, जो ख़ास बच्चों के लिए है। अभी आपको पता है एग्ज़ाम के टाइम चल रहा है, तो बच्चों को आँखों की रोशनी के लिए भी ये बहुत ही लाभदायक पाउडर है, जो मैं अपने बेटे को भी दे रही हूँ। तो चलिए चलते हैं। यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैंने डाला है काजू एक कटोरी, एक कटोरी मैंने डाला है बादाम और एक कटोरी डाला है अखरोट। अब हम इसे अच्छे से कर लेंगे सॉटे, मीन्स आपको इसे हल्का हल्का ही भूजना है, जिसमें से मॉइस्चर चला जाए और इसका अच्छे से पाउडर बन जाए। इसे आपको बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा नहीं भूजना है, चलाना नहीं है, बढ़िया सा हमें इसे सिर्फ रोस्ट करना है। और ये देखिए, हल्का हल्का आप इसे बिल्कुल मीडियम, जो गैस की फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम में रखिएगा। और अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी ये नारियल, इस ड्राई जो कोकोनट है उससे मैंने क्रश कर लिया है और इसे मैंने ऐड कर दिया है। अब अच्छे से हम इसे भूजते जाएंगे कि ये हल्का सा रोस्टी जैसा हो जाए, इसे जलाना बिल्कुल नहीं है आपको। और ये क्या है कि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स डाली हूँ, फेनल सीड, जिसे हम सीड जिसे हम सौंफ भी कहते हैं, हरी सौंफ, जो हमारी आँखों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। इसे भी हम हल्का हल्का भूज लेंगे, भूजने से इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आ जाता है और इसमें जितने भी मॉइस्चर होंगे, जिससे पीसने में ये इजी हो जाए, और इसे हम अच्छे से भूंज लेंगे। तो ये सभी हमारे दिमाग के लिए, आँखों के लिए, हमारे बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, इसे बूढ़े भी खा सकते हैं। तो ये देखिए हो चुका है। अब मैं इसे ठंडा करके मिक्सर में डाल दूँगी और इसे अच्छे से हम बना देंगे पाउडर। आप इसे पहले ठंडा करिएगा, फिर उसके बाद ही इसे पाउडर बनाइएगा। ये देखिए, अब इसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मिश्री, क्योंकि पाउडर मीठा ना हो तो बच्चे नहीं खाएंगे। ये मिश्री मैंने धागे वाली ली है, जो बहुत प्योर होती है। आप पीसेस वाली मत लीजिएगा, धागे वाली ही लीजिएगा। अब मैं इसका पाउडर रेडी कर दूँगी। ये देखिए पाउडर हो गया है रेडी, ये देखिए बढ़िया सा। अब इसे आप ऐसे भी रोज़ सुबह शाम ले सकते हैं, या फिर दूध में मिक्स करके आप इसे एक चम्मच डेली लीजिएगा, अपने बच्चों को दीजिएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया होता है। ये देखिए, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसा लगा। और ये रहा दूध, और इसमें डेली एक चम्मच आप डाल के इसे बच्चों को दीजिएगा, बूढ़ों को भी आप दे सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप खा सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने अदर वीडियो, बहुत सारी वीडियो की लिंक शेयर की है, वहाँ जाके आप मेरी वीडियो देखिएगा।